So, good morning everyone. In the last lecture, we have discussed some basic concepts of free body diagram and then Lamy's theorem, which is an very important theorem to solve a problem under equilibrium whenever a body is in equilibrium under the action of three forces. So, then we will be using Lamy's theorem. But when number of forces are more than three, we generally consider resolution method. ठीक है, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं अभी लिख तो नहीं पाया हूँ, बट आई एम गिविंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्वेश्चन वन, जस्ट सॉल्व इट। ए वेट ऑफ 2000 न्यूटन, द क्वेश्चन इज ए वेट ऑफ 2000 न्यूटन, weight of 2000 Newton is supported by two chains AC and BC as shown in figure, बना दूंगा अभी मैं, as shown in figure. Determine the tension in each chain. ठीक है, हर एक चेन में आपको टेंशन निकालनी है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना है, ये यहां है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, यहां पर सी पॉइंट है और यहां लोड लगा हुआ है कितना, 2000 न्यूटन। ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है और दिस इज 60 डिग्री। चलिए कैलकुलेट करिए। हाउ यू विल कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम, जल्दी से सॉल्व करो। कैसे करेंगे भाई? सो मान लेंगे, जनरली यू विल कंसिडरिंग टेंशन है, ये रॉड है, तो ऑब्वियसली ये वेट है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर इसमें एक टेंशन यहां डेवलप होगी, टी ए सी मान लेते हैं, और ये जो टेंशन यहां डेवलप हो रही कितनी है, टी बी सी, है ना। तो ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, सो एट पॉइंट बी दिस इज पॉइंट सी, हियर we are having a tension TBC and this direction the tension is TAC and load is acting downward 2000 newton. ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ जी, ठीक है। अब बताओ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 30 डिग्री है, ये भी 30 होगा। क्या बोलते हैं ये एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जो जेड बनता है ना, इस तरीके से जेड बनता है, तो आपको पता होगा ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होता है, तो ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, तो यहाँ पे 30 आ गया। और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, है ना, ये भी 60 हो गया, तो यहाँ भी 60 बन गया। अब क्या करना है, हाउ विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो बॉडी है, सो वी कैन से दिस पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम
under the action of three forces. Under the action of three forces. Action of three forces. कौन कौन से तीन forces हैं? TAC, TBC and 2000 Newton. कोई join कर रहा है? एक मिनट रुक जाओ. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट जो सी है वो तीन फोर्सेस टी ए सी टी बी सी और 2000 की वजह से कैसा होगा? इक्विलिब्रियम होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग लामीज़ थ्योरम, है ना. लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे तीन फोर्सेस की वजह से. और जैसे ही हम लामीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे कैसे करना है? यहां पर पॉइंट सी, इधर टेंशन टी बी सी, इधर टेंशन टी ए सी, नीचे वेट लग रहा है 2000 का, ये लोड हो गया आपका. ये एंगल कितना था? 30. और ये एंगल कितना था? 60. चलिए तो क्या लिखेंगे? टी ए बी अपॉन इज इक्वल्स टू टी, नॉट ए बी, टी ए सी होगा. टी ए सी टी ए सी अपॉन टी बी सी अपॉन इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन, है ना. चलिए बताइए क्या आएगा एंगल में, क्या क्या आएगा नीचे? यही तो था लामीज़ थ्योरम, ऐसे ही तो अप्लाई करते हैं. जो भी टेंशन है बस वहां से देख लेंगे. तो साइन ए सी अपॉन साइन कितना आएगा? ए सी कहाँ है? ये रहा. बाकी दोनों कौन से फोर्सेस बचे? एक बी सी बचा और 2000 बचा. तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल ले लेंगे. क्यों भाई? ये तो लेना है. जो फोर्स लेते हैं उसके नीचे जो एंगल आएगा वो बचे हुए दोनों फोर्सेस के बीच का, मतलब 2000 और बीसी के बीच का. तो ये कितना बन रहा है? यहां से यहां तक 90 हो जाता है. क्यों भाई? अगर इस तरीके से बन रहा है ये तो 90 रहेगा. yes. और 60 ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 150 हो जाएगा. साइन 150 डिग्री. और बीसी के नीचे कितना आ जाएगा? साइन बीसी कहां है? ये रहा. बाकी दोनों कौन से फोर्सेस बचे? ये दोनों बचे. तो कितना एंगल बन रहा है ये वाला? 120 120. तो साइन 120 आ गया. और एक ये रहा. तो 2000 के नीचे कौन सा बन रहा है? अगर ये 60 है, ये 30, तो ये कितना आ रहा है? 90. ये 90 हो जाएगा. तो ये साइन 90 हो जाएगा. अब सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था? पहले नोन और अननोन को ले लो, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना. तो अगर हम बात करेंगे टी ए सी अपॉन साइन 150, इट इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन साइन 90. साइन 90 होता है 1. तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो टी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करोगे 2000 इंटू साइन 150, और साइन 150 कितना होता है? 1/2. तो 1000 आ गए, 1000 न्यूटन. क्यों भाई? इज इट क्लियर? 1000 न्यूटन आ जाएगा ना टेंशन, एक स्ट्रिंग में टेंशन 1000 न्यूटन आ गया. सही आ गया आपका आंसर. यूनिट जरूर लिखना भाई, यू हैव टू पुट द वैल्यू यूनिट्स. और जब दूसरा टीबीसी निकालना है, दूसरी टेंशन निकालनी है, तो इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे. मतलब ये हो जाएगा टीबीसी अपॉन साइन 120, इट इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 1. तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. तो टीबीसी आ जाएगा 2000 इंटू √3/2. इसका कितना आंसर आ रहा है बताओ? टीबीसी कितना आ रहा है? टेल मी द वैल्यू. What is TBC? Yes. Anyone of you, please. Calculator. हाँ बताओ. Sir, 1732.05. हाँ, 1732.05 newton. यूनिट जरूर लिखना है. और आंसर जैसे ही आ जाएगा आप उसको डब्बे में बंद कर देंगे और उसके आगे लिख देंगे आंसर. ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ. हाँ जी. नहीं सर, ये वन, सर ये 1000 कैसे आया समझ में नहीं आया. बेटा साइन 150 हो जाएगा ना, ये इन दोनों को सॉल्व करो. टी ए सी कितना हो जाएगा? टी ए सी विल बी इक्वल्स टू 2000 इंटू साइन 150, और साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2. तो 2000 गुणा 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना? 1000 बचेगा. चलिए
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूं, ये क्रेन का है, जिप क्रेन का है, ठीक है। जिप क्रेन समझते हो, आप लोगों ने देखा होगा जो क्रेन मशीन्स होती है हमारी यहां पर इस तरीके से रहती है कि नहीं, ये जैसे यहां एक ड्राइवर वगैरह बैठा होता है और कुछ इस तरीके से वो जा रहा होता है, इसमें से एक रोड यहां से जाती है ना इस तरीके से, यहां इस तरीके से मान ले रहे हैं ये है और एक ये है और यहां नीचे हुक हो रहा है, हुक होता है, उस हुक से हम क्या करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं ना, ऐसे ही तो होता है क्रेन, क्यों भाई? यस सर, क्रेन होती है ना ऐसे ही, यहां से हुक से हम मान लिया कोई कार वगैरह उठानी है या कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, वो यहां पर लटका देते हैं तो होगा क्या, जब इसको उठाएगा तो ऊपर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये एक सपोर्टिंग होती है यहां पर, एक जिसको टाई रॉड जिसको हम बोलते हैं, यहां टाई रॉड होती है, टाई रॉड यहाँ टाई रॉड होती है जिसमें टेंशन डेवलप्ड होती है, और यहां पर एक रोप होता है जो घूमता रहता है, ये रोप होता है, याद आ रहा है, रोप, रोप जो होता है, रोप बोल सकते हो स्टील मतलब मेटल का रोप होता है, और ये घूमता जाता है यहां पर गोल गोल, ये घूमेगी तो ये ऊपर की ओर उठता जाता है, याद आ रहा है कुछ क्रेन में। तो एक क्वेश्चन हम क्रेन का भी करते हैं कि भाई कितना लोड चाहिए, किस तरीके से लोड वहां लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है इन ए जिप क्रेन, इन ए जिप क्रेन, जिप क्रेन द जिप एंड टाई रॉड आर, द जिप एंड टाई रॉड आर, टाई रॉड आर 5 मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर, द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर एंड टाई रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, एंड टाई रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, टाई रॉड आपकी हॉरिजॉन्टल लिखे, डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड, डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द जिप एंड टाई रॉड, इन द जिप एंड टाई रॉड when a load of 2 kilonewton is suspended at the crane head, is suspended at the crane head, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास एक जिब क्रेन है, जिब और टाई रॉड जो है वो 5 मीटर, जिब आपका 5 मीटर है और टाई रॉड कितनी है 4 मीटर लॉन्ग, तो मतलब ये हो गया, अगर हम जिब की बात करेंगे, ये जो रोप होता है ना ये आपका जिब बोलता है इसको, JIB, ये आपका JIB है, जिब है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ दी है यहां से यहां तक वो कितनी दी है 5 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी है 5 मीटर, और टाई रॉड यहां से यहां तक की जो लेंथ दी है ये दी है 4 मीटर, ठीक है, पर मीटर रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर, ये आपका क्रेन पोस्ट होता है यहां से यहां तक इन दोनों के बीच का जो हाइट है ना, ये क्रेन पोस्ट है, इसकी हाइट दे दी है 3 मीटर, 3 मीटर, एंड टाई रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो इस वाले केस में देखो ये जो टाई रॉड है ना ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल रहनी है, इसीलिए मैंने बोला ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, वैसे कभी कभी आपने देखा हो कि ये ऊपर की ओर भी लगी हुई होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये हॉरिजॉन्टल दी है इसीलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया,
डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द जिब एंड टाई रोड, इन दोनों में कितना रोड है, इस जिब में मतलब रोप में कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और टाई रोड में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जिब एंड टाई रोड, व्हेन लोड ऑफ 2 kN इज सस्पेंडेड एट द क्रेन हेड। तो ये आपका क्रेन हेड होता है, यहाँ पर ये जो हुक होना है, ये जो हुक है ये हेड है, यहाँ पर एक 2 किलो न्यूटन मतलब 2000 न्यूटन का एक लोड लगाया गया है इस हेड में। इस हेड में कितना, अगर इस हेड से हम 2000 न्यूटन का लोड लगाएंगे या 2 किलो न्यूटन का लोड लटकाते हैं तो हमें ये बताया गया है कि टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है इन बाकी रॉड्स के अंदर। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। यस नो सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये क्रेन का फिक्स वाला पोर्शन है यहां पर और ये आपका टाई रोड है और ये आपका जिब है और नीचे एक वेट लगा हुआ है, ये जो हेड है उस हेड से एक वेट लटका दिया है नीचे की ओर 2 किलो न्यूटन का। 2 किलो न्यूटन हो गया मतलब आपका 2000 न्यूटन। तो ये पूछा गया ये आपकी टाई रोड है, टाई रोड, ये आपकी टाई रोड है और ये आपका जिब है। क्रेन मशीन आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, पहले ये बताओ, क्रेन मशीन देखी है? तो कौन सा? अरे क्रेन मशीन देखी। क्रेन नहीं देखी है? क्रेन से आप लोगों ने देखा होगा वो उठा देते हैं, कार वगैरह कहीं खड़ी होती है उठा के ले जाते हैं, ट्रक भी उठा लेते हैं। हाँ ट्रक उठा लेते, वही तो है क्रेन, वही तो है जिब क्रेन, ऐसी तो होती है। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले में नहीं है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, यहाँ पे एक एक रोप, ये वाला रोप घूमता है, यहाँ से हुक लगा होता है, उस हुक से आप लोड उठाते हो और एक ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ लगा होता है जिसको हम टाई रोड बोलते हैं। यस सर। है ना, तो यही है, ये टाई रोड होती है आपकी, इसको हेड बोल, इसको हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट। ये जो डिफरेंस है ये यहाँ इस वाले पॉइंट को बोलते हैं जहां पर टाई रोड और जिप यहाँ पर कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ये जो पोस्ट है उस पोस्ट की लेंथ है 3 मीटर, जिप की लेंथ है 5 मीटर और टाई रोड की लेंथ है 4 मीटर। तो ये बोला गया है कि अगर मैं, आपकी टाई रोड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, ये बोला गया है कि अगर मैं 2000 न्यूटन का लोड इस हेड से उठाता हूं ऊपर की ओर तो मुझे ये बताओ इसमें और इसमें कितनी टेंशन डेवलप होगी। ठीक है, समझ में आया? इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं? यस। ये ए ए पॉइंट मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी पॉइंट मान लिया। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ होना है। पहली बात तो ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की ओर, 2000 न्यूटन तो नीचे लग गया। ये जिब है, मैंने मान लिया कि इधर टेंशन लग रही है टी, इसको मैंने टी बी मान लिया, टेंशन इन जिब, इस टी बी और टाई रॉड में जो टेंशन डेवलप हो रही है वो इधर मान ली मैंने टी ए। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं सर मैं तो इधर मान लूंगा टेंशन ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर मैं तो टेंशन ऊपर की ओर मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हो कहीं भी मानने के लिए, लेकिन अगर आपका आंसर, अगर आपका आंसर माइनस में आता है इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने फोर्स के लिए है या टेंशन के लिए है वो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब अगर इसका मैं फ्री बॉडी पॉइंट सी जो है, सो पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन टी ए, टेंशन टी बी एंड ए लोड ऑफ 2000 न्यूटन। ठीक है, इसी की वजह से तो पॉइंट सी जो है इक्विलिब्रियम, किस वजह से, ऐसी वजह से है। तो अगर हम देखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की बात करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट होगा नीचे 2000 न्यूटन का लोड लग रहा है, एक टेंशन यहां लग रही है आपकी टी बी और एक टेंशन लग रही है इधर, हॉरिजॉन्टल है ये टी ए। हमें क्या करना, ये एंगल्स पता करने हैं कि ये एंगल क्या है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है,
और ये वाला एंगल के, ये तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे। अगर ये तीनों एंगल निकल जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो अगर हम अप्लाई लामिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल कितना है, अल्फा मान लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। जब बेटा ये टोटल 90 तो होगा अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल है तो, हाँ जी, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, अगर ये अल्फा है तो ये टोटल 90 होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यस सर, और ये तो पता ही है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो पता है पूरा, ये 270 डिग्री होगा। यस सर, ये तो 270 होगा कि नहीं होगा, ये वाला 270 होगा, यहां से यहां तक 180 और ये 90, तो 270 तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अल्फा निकाल लेते हैं। अब देखो आप एक बात मुझे बताओ, क्या ये इस तरीके से एंगल नहीं बन रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है। देखो ये तीन है, ये चार है, ये पांच है और ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो गया, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, क्यों भाई, ये 90 डिग्री बन रहा है। यस सर, ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, अगर इसको मुझे निकालना है तो क्या लगा देते हैं, 10 लगा दें, 10 अल्फा, 10 अल्फा कितना हो जाएगा इन अप्लाइंग, सो इन दिस ट्राइंगल दैट इज सी, ये हो गया ए, हो गया ये और बी हो गया ये, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल में देखो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, बताओ व्हाट इज 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या होता है, पांडे जी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर दैट इज 3, और बेस कितना है, ये बेस हो जाएगा 4, तो यहां से अल्फा कितना आ रहा है, बताओ अल्फा कितना आ रहा है, 10 इनवर्स अप्लाई कर दो 3/4 में, अल्फा कितना आ रहा है, सर 36.38, 36.86, तो आ गया 36.86, लो अल्फा आ गया। अब ये वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, बताओ 90 में से इसको हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 90 माइनस कर दो, ये आएगा 53.14 अराउंड, है ना, 53.14, ठीक है। अब सारे एंगल पता चल चुके हैं कि नहीं चल चुके हैं, सारे एंगल पता है, तो बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, लामिस थ्योरम अप्लाई कर दो। अब क्या करना है, ये पॉइंट नीचे 2000, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, ये तो कौन सी है, टी बी, ये टी ए, ये एंगल हो गया 270, ये एंगल कितना है 36.86, और ये एंगल कितना हो गया 53.14, ठीक है, बस खत्म। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लामिस थ्योरम, तो टी ए लिख देना है, अप्लाइंग लामिस थ्योरम, तो टी ए अपॉन बताओ कितना आएगा, साइन एंगल बताओ जल्दी से, टी ए अपॉन कितना आएगा, तो वही तो है ना, टी ए ले लिया, अब बाकी दोनों फोर्सेस बचे उनके बीच का एंगल, बाकी दोनों फोर्सेस बचे, टी बी का बचा, टी बी बचा और ये बचा, yes, sir. तो इनके बीच में एंगल 53.14 है ना, 53.14 आएगा, इट इज इक्वल टू व्हाट,
टी बी अपॉन, अब टी बी के नीचे क्या आएगा बताओ, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, तो टी बी कहाँ है ये रहा, बाकी दोनों फोर्सेस कौन से बचे, टी ए और ये, इनके बीच में यही तो बनना है 270. यस सर. साइन 270 इट इज इक्वल टू व्हाट, 2000 बटे 2000 अपॉन साइन, बाकी दोनों फोर्सेस 2000 ये रहा, बाकी दोनों फोर्सेस बचे टी बी और टी ए, इनके बीच का एंगल कितना है, 36.8. ना बेटा 36.86. 86. या जब दो यूज हो चुके तो तीसरा जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा. अब सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो यहां से टी ए मिल जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टी बी मिल जाएगा. मिल जाएगा. तो पहले सॉल्विंग टी ए अपॉन टी बी, सो टी ए कितना आ जाएगा, सॉल्विंग फर्स्ट वन, सो टी ए इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन साइन 36.86 मल्टीप्लाइड बाई ये साइन 53.14 ऊपर आ जाएगा, साइन 53.14 डिग्री. ठीक है, बताओ कितना आ रहा है टी ए, ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा है. टी ए निकालेंगे तो 2000 अपॉन साइन 136 ये तो सेम रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ टी ए कितना आ रहा है. और इसी तरीके से टी बी निकाल सकते हैं, टी बी में कितना आ जाएगा, हाँ कितना बताओ, 2.667. ठीक है, गुड, कौन निकाला, 2.667. ये 2000 के हिसाब से 2 पॉइंट आया है क्या, 2711.86. 2667. मतलब ये है कि अगर ये 2000 है तो ये आंसर आएगा, क्योंकि अगर 2 न्यूटन के हिसाब से मैंने 2000 में लिख दिया था ना, इसको किलो हटा दिया था, किलो हटा दिया था, इसलिए तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2667 आ रहा है, 2667 न्यूटन, 2667 न्यूटन ये आंसर आएगा. थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि किसी ने डायरेक्ट वैल्यू ना लिख करके, मतलब उसको दो पार्ट में अलग अलग सॉल्व किया होगा, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इसका बताओ टीबी कितना आएगा, टीबी कितना हो जाएगा, 2000 बटे 2000 डिवाइडेड बाई साइन 36.86 मल्टीप्लाइड बाई साइन 270 डिग्री, बताओ टीबी कितना आ रहा है. माइनस का 3389.83. माइनस, गुड, माइनस 3389.83. दोबारा बोलना, माइनस 3 माइनस 3389.83. 89.83 तो 8 कर देते हैं ना, 8 न्यूटन आ गया. ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया. अब ठीक है, अब किसी ने ध्यान दिया यहाँ पर, ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन माइनस का मतलब ये हो गया कि यहां हमने जो टेंशन टी, कौन सी वाली, टीबी, जो टीबी हमने नीचे की ओर माना है वो नीचे नहीं है, ये कहां लग रहा है टेंशन, ऊपर की एग्जैक्टली जो है इसकी डायरेक्शन वो ऊपर की ओर लगेगी. ठीक है, तो आप आंसर में यही तक लिख देना, आंसर में यही है, माइनस साइन के साथ लिखना, आप बस ये रिप्रेजेंट कर दोगे, दिस माइनस साइन, साइन इंडिकेट्स, इंडिकेट्स दैट द फोर्स, द टेंशन, या द फोर्स लिख सकते हो, टी बी एक्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एज्यूम्ड वन, एज्यूम्ड. ठीक है, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है उसके अपोजिट एक्ट करता है, और कुछ नहीं लिखना, आंसर सही है. ठीक है, इज इट क्लियर, याद है किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी, नो सर, नो सर. चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को, चलिए और फोकस करना है इस पे, इस टाइप की क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाती हैं. एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं,
बहुत तो सिंपल सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, ये स्फेयर्स वाला दे रहा हूँ क्वेश्चन। टू स्मूथ स्फेयर्स, टू स्मूथ स्फेयर्स, टू स्मूथ स्फेयर्स पी कॉमा क्यू each of radius 25 centimeter, each of radius 25 centimeter and weighing 500 newton rest in a horizontal channel. Rest in a horizontal channel. ठीक है, having vertical walls. अभी फिगर है इसका। If the distance between the walls is 90 centimeter, if the distance between the walls is 90 centimeter, make calculations for the pressure exerted on the wall and floor at points of contact A, B and C. ठीक है, अब इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल वही है, उस टाइप का प्रॉब्लम डायग्राम है कि आपके पास एक रोलर ये है, ठीक है, और एक रोलर यहां पर है, दोनों एक जैसे ही रोलर्स हैं, और ये रोलर कहां रखे गए हैं, एक स्मूथ चैनल में रखे गए हैं। इस तरीके से रखे गए, ये ना नीचे टच हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से नीचे टच हो रहा है, ठीक। ये पॉइंट दिया है आपका, यहां पर जो कांटेक्ट हो रहा है वो ए पॉइंट है, ये आपका रोलर पी है, ये आपका रोलर क्यू है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ये पॉइंट सी है जो नीचे टच हो रहा है यहां पर, ये सी पॉइंट है, और ये जो रोलर जहां टच हो रहा है ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। और ये जो वॉल है, इन दोनों, ये जो डिस्टेंस दी गई है इन दोनों के बीच की, यहां से और यहां तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली, ये कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं, इसको मैं अलग से बना देता हूं, बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, और ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर आपका ये है, ये डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक,
ये दो रोलर्स, ये कॉन्टेक्ट यहाँ बन रहा है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये भी कॉन्टेक्ट है, ये आपस में कॉन्टेक्ट बन रहा है इसका। ये पॉइंट्स हैं आपके ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये आपका पी रोलर है, ये आपका क्यू रोलर है। दोनों रोलर एक जैसे हैं और इनका जो डायमीटर दिया गया है कितना दिया गया है, रेडियस दी गई है 25 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है इसकी, इसकी भी रेडियस ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और इनका वेट दे दिया गया है, कितना दे दिया गया वेट, वेट कितना है 500 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, कहाँ गायब हो गए भाई, अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे, समझ में आ गया ना पूछा क्या है। ये है दो स्मूथ दो स्मूथ स्फीयर है पी क्यू, ये दो स्फीयर दिए गए हैं आपको, हर एक की रेडियस 25 सेंटीमीटर दे दी गई है और हर एक दोनों का जो वेट दिया गया है 500 न्यूटन इसका है, 500 न्यूटन इसका है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल चैनल पर रखे गए हैं और वर्टिकल वॉल पर रखे गए हैं। ये चैनल है और ये वर्टिकल वॉल है उसकी, ये वाली ये वर्टिकल वॉल है, ये वाली वर्टिकल और ये इसका हॉरिजॉन्टल चैनल होता है। यदि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इस वॉल की डिस्टेंस और इस वॉल की डिस्टेंस, दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस अगर 90 सेंटीमीटर है, तो आपको ये निकालना है कि ये जो वॉल्स हैं या ये जो स्फीयर्स हैं, वो स्फीयर वॉल पर और फर्श पर, फ्लोर पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी और सी पर कितना प्रेशर है। प्रेशर मतलब क्या है, रिएक्शन ही है, प्रेशर का मतलब क्या हो गया भाई, रिएक्शन ही को निकालने हैं, ये क्या है, ये रिएक्शन ही को निकालने, कितनी रिएक्शन लगा रहे हैं, ये रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताओ मुझे। ये आपकी वॉल्स दी गई है, दीवार एक ये वाली है और एक ये वाली है, और ये आपका फ्लोर है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे भाई बताओ। सर पहले एक स्फीयर का करेंगे, थ्योरम दो बार अप्लाई होगी, पहले ए स्फीयर में फिर बी स्फीयर में, दूसरे स्फीयर में, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जहां देखो पॉइंट है वहां पर रिएक्शन मान लेंगे, लेट आर ए आर बी आर सी एंड इस वाले पॉइंट को मैं डी मान लू, कोई दिक्कत, एंड आर डी आर द रिएक्शंस, आर डी रिएक्शंस एट दी पॉइंट्स, एट दी पॉइंट्स लिख लेंगे जो भी पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी एंड डी, ये सारे पॉइंट्स पर रिएक्शन होगी। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपसे बोला था कि एक तरफ से इनका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो इधर से लेके चलेंगे जहां पर कम रिएक्शन है। सो ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी का क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्फीयर बी बना लिया, चलिए ये आ गया आपका पॉइंट यहां पर, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे पहले ये बताओ बी पर, तीन सर, तीन फोर्सेस। तो तीन मतलब सबसे पहले तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, दैट इज कितना है 500 न्यूटन लिया है, तो ये 500 नीचे आ गया। दूसरा यहां पर रिएक्शन लग रही होगी अंदर की ओर, तो मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन अंदर की ओर है, इसको बाहर की ओर ले जाते हैं इस तरीके से, सही है। ये आर बी हो गया भाई, ये रिएक्शन जो होगी वो यहां पर अंदर की ओर लगेगी ना, सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था इसको बाहर की ओर निकाल देंगे, कोई दिक्कत, नो सर। और एक रिएक्शन ये वाला रोलर यहां पर लगाया, क्योंकि यहां कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये ऊपर की ओर सेंटर की ओर लगाएगा, तो ये इसको हम यहां पर बाहर निकाल देंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। ये आर बी हो गया और ये होगी रिएक्शन आर डी। अब दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आएगी कि सर ये एंगल तो चलो हमें पता है 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, अगर ये वाला एंगल मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना, सही तो कह रहा हूं मैं। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, क्यों भाई साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करना है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि एक ये वाला स्फीयर हो गया,
और एक हो गया ये वाला स्फीयर। इसमें देखो ये मैकेनिक्स में सबसे बड़ी बात है कि ज्योमेट्री भी आनी चाहिए आपको, बिना ज्योमेट्री काम नहीं होगा। ये यहां से यहां तक, और ये जो लोड लग रहा है अंदर की रिएक्शन जो डी लग रही है आरडी, वो ऐसी तो जा रही है तो भाई आरडी ऐसी तो जा रहा है अंदर की ओर, सेंटर में इसको हमने बस बाहर निकाल दिया इस तरीके से। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये होगा, एंगल चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, सेम रहेगा एंगल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 90 है कि नहीं 90? अभी बस खत्म कर रहा हूं क्लास, है ना, थोड़ी देर में बस मिस करते हैं और क्लास भी स्टार्ट होती है। बस ये एंगल निकाल लेते हैं, पर बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 90 है, यहां से यहां तक कितना है बताओ, ये कितना है और ये कितना है यहां से यहां तक? 25 सर। ये 25, ये 25। तो आप एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये वाला? यस सर। ये ट्राइंगल बन गया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर यहां से यहां तक टोटल 90, उसमें से ये वाली रेडियस घटा दो और ये वाली रेडियस घटा दो? 40 सर। 40 हो गया? यस सर। 25 ये रहा, 25 ये रहा, 50 घटा दिया तो ये 40 हो गया। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला बताओ जरा मुझे, ये वाली कितनी डिस्टेंस है? 50। ये 50 है। अब बताओ क्या इस एंगल को आप निकाल नहीं सकते हो, ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते हो अगर मैंने इसको अल्फा दिया तो? यस सर। निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, साइन कॉस या टेन? अप्लाई करेंगे कॉस अल्फा। सो अप्लाइंग इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल जो भी कोई भी ट्राइंगल हो, जो भी ये जैसे 1 2 3 मान लेना है कोई भी है, इसमें क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे क्योंकि ये बेस पता है और ये हाइपोटेन्यूस पता है। तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू बेस दैट इज 40 अपॉन एन 50। तो यहां से अल्फा बता दो कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 40 अपॉन 50। बता दो अल्फा कितना आ गया, अगर अल्फा निकल आया तो सारे आंसर आ गया। बताओ बेटा अल्फा कितना आ रहा है, ये अल्फा बता दो फिर फिनिश करते, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्दी से करो बेटा, डू इट फर्स्ट। हाँ जी, आई थिंक इट इज 36.87 डिग्री, ठीक है सर? 36.86 ठीक है, गुड, ठीक है। तो जो जिसका भी ये आंसर आया वो सही है, तो ये वाला एंगल आपको पता चल गया 36.86। अब चाहे वो नीचे कैलकुलेट करो या ऊपर कैलकुलेट करो, ये भी तो सेम एंगल हो जाएंगे, ये एकांतर कोण बोलते हैं सर इनको। ये जो एंगल अगर ये इस तरीके से बन रहा है, अगर ये लाइन मैंने खींच दी और ये पैरेलल लाइन अगर मैं खींचता हूं, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल तो यहां बनता है, क्यों भाई? ये दोनों एंगल होते हैं ना, कौन से एंगल होते हैं ये हिंदी में तो सर संगत कोण बोलते हैं, कौन सा एंगल होते हैं? अल्टरनेट सर। ये अल्टरनेट एंगल होंगे जो भी है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो चाहे आप एंगल यहां बना लो या यहां बना लो, दोनों तरफ सेम रहेंगे ना, तो ये वाला एंगल सेम होगा। जैसे ये एंगल पता चला तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 प्लस ये, तो ये टोटल एंगल पता चल जाएगा। अब अगर ये 36.86 है तो ये वाला पता चल जाएगा ना, 180 में से 36.86 घटा देंगे ये पता चल जाएगा, ये 90 है ही, लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आरबी और आरडी मिल जाएगा। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये वाली क्लास हम यही फिनिश करते, ठीक है? और खुद से कॉल सॉल्व करना, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना। अब देखो अगले वाले में क्या होगा, जब इसको कंसीडर करेंगे ना तो चार फोर्सेस मिलेंगे आपको, तो इसमें चार फोर्सेस में लामी अप्लाई नहीं होगी, इसका रेजोल्यूशन से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? चलिए, ओके, सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर योर थैंक यू सर।